सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर उपयोगी बात चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप के द्वारा किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक फोटो को ओपन किया हुआ है और इसके बैकग्राउंड को हम करते हैं चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस फोटो को हमें कटिंग करना होगा। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको टूल दे रखे हैं, उन टूल में से कटिंग टूल को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये जो टूल है वो कटिंग टूल है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तीन टूल मिलेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर, फिर सेकंड और थर्ड। तो आपको क्या करना है, ये सेकंड टूल है उसको सेलेक्ट करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए तो इस कटिंग टूल से इस फोटो को आपको करना है कटिंग। तो यहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए इस जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से एंड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आपको ऐसे माउस से क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है और पूरे फोटो के पार्ट को, जो जो फोटो है उस फोटो को आपको कटिंग करना है। यहाँ मैं थोड़ा स्पीडली कटिंग कर रहा हूँ, आपको आराम से कटिंग करना ताकि कोई भी पार्ट है वो छूटे नहीं और आपका फोटो है वो अच्छे ढंग से कटिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ मैं जल्दी जल्दी कटिंग करता हूँ फास्ट। जितना आराम से करोगे कटिंग उतना ही आपसे फिनिशिंग में कट होगा और आपका फोटो है वो दिखने में अच्छा लगेगा। विशेषतर जो फोटो का जैसे कान वाला पार्ट है किसी फोटो में, वो विशेषतर आपको ध्यान रखना है ताकि वो इजीली सही ढंग से कट हो जाए और आपका फोटो है वो सही ढंग से दिखे। देखिए मैंने ये फोटो है वो कटिंग कर दिया। यहाँ से ये लास्ट वाला पॉइंट मिलेगा तो ये कटिंग है वो हो जाएगी। देखिए ये फोटो का जो हिस्सा है वो कट हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए सीधा सीधा आप इसको कट करेंगे तो आपका फोटो है वो गंदा लगेगा, इसलिए मैं इसको सबसे पहले आपको क्या करना, फेदर देना है। तो यहाँ राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके इस फेदर को सेलेक्ट करना है। तो फेदर को देंगे और फेदर जैसे आप तीन या पाँच का दे सकते हैं, बड़ा फोटो है तो पाँच, छोटा फोटो है तो तीन। ठीक है, तो यहाँ मैं तीन ही देता हूँ, ये तीन दे दिया और यहाँ से करना है ओके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपके अगर पीसी है, डेस्कटॉप है, तो सीधा आप F3 और F4 को प्रेस करेंगे और यदि लैपटॉप है तो फंक्शन की के साथ में F3 और F4। ठीक है, F3 और F4 विद फंक्शन की अगर प्रेस करेंगे तो ये फोटो है वो कट हो जाएगा। देखिए कट हो गया है। यहाँ से वापस ये सेलेक्ट करके सेलेक्ट को रखेंगे फोटो पे तो ये देखिए फोटो है वो कटिंग हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, दूसरे बैकग्राउंड पे शिफ्ट करूंगा तो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस यहाँ से मैं फाइल में जाता हूँ और फाइल में न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो भी फोटो आपको बनाना है उस साइज को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मुझे 8x12 बनाना है, 8x12 का फोटो बनाना है तो यहाँ इंच ले लेते हैं 8 इंच और यहाँ ले लेता हूँ 12। ठीक है, ये 12 इंच और यहाँ ले लो 300। ठीक है, और कर दो यहाँ पे सेलेक्ट, ओके कर दिया। तो ये आ गया हमारा 8x12 की साइज। ठीक है, अब इस फोटो को पकड़ के इस बैकग्राउंड पे लाना। देखिए मैं यहाँ पकड़ के इसको इस बैकग्राउंड पे खींचूँगा तो ये आ जाएगा सीधा इस एक तरह से घिसके लाना है तो ये आ गया फोटो इस पर। ठीक है, अब जैसे इस फोटो की साइज में इसको बिछाना है तो Ctrl+T करेंगे। जैसे Ctrl+T करेंगे ये फोटो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ में इसको विथ शिफ्ट और यहाँ से इसको ऊपर नीचे करना है। अगर ऐसे शिफ्ट नहीं दबा के इसको अगर खींचेंगे तो ये जो फेस की साइज है और फोटो है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना और शिफ्ट प्रेस के साथ में इसको जितना भी फोटो चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बड़ा और चाहो तो इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेट भी। देखिए ये सीधा करना है तो सीधा कर दो और फिर बड़ा कर दो वापस शिफ्ट करके, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस ढंग से। देखिए ये बड़ा हो गया, ओके। अब एंटर प्रेस करो तो ये सेलेक्ट हो रहा वो चला जाएगा। तो ये देखिए फोटो है वो आ गया हमारा नया बैकग्राउंड पे और ये बैकग्राउंड अब पीछे आप जो भी सीनरी वगैरह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा बैकग्राउंड रख के बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हम पीछे लगा देंगे। तो किसी भी एक रैंडम क्लिक कर देता हूँ, इस बैकग्राउंड को जैसे मैं लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया हमारी सीनरी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी कोई इसके आपको इस फोटो को ऊपर लाना है। ठीक है, ये आ गया, इसको भी बड़ा करना है, वही Ctrl+T कर दो
और कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर दो। ये बड़ा करते हैं, ये बड़ा आ गया। अब देखिए फोटो के ऊपर आ रहा है, तो फोटो के ऊपर आ रहा है तो इसको क्या करेंगे। अब देखिए ये जो बैकग्राउंड है फोटो के ऊपर आ गया, तो आपको क्या करना है, लैपटॉप से कर रहे हैं तो फंक्शन और फंक्शन की विथ F7, ठीक है, F7 प्रेस करेंगे तो ये आपके लेयर वाली जो बॉक्स है वो खुल जाएगा। तो देखिए तीन लेयर बनी है, बैकग्राउंड की, फोटो की और ये अपने सीनेरी की। तो अब जो भी लेयर आपको ऊपर करना है इसको सेलेक्ट करके ऊपर लाना है, तो जैसे सेलेक्ट किया और फोटो को ऊपर लाना है, इसको मैं ऊपर लाऊंगा ऐसे तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस ढंग से आप फोटो को ऊपर ला सकते हैं। अब देखिए ये फोटो है वो आगे आ गया और सीनेरी है वो पीछे। अब फोटो आप जैसा ही आप कटिंग करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, मैंने यहाँ रफ कटिंग करके आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है। तो ये तरीका है किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, साथ ही कोई क्वेश्चन है आपके मन में किसी भी प्रकार का तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं फोटोशॉप से संबंधित किसी भी आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ।